अगर आप एक कैसीनो ऑक्यूपेशंस हैं और कनाडा में काम करना या परमानेंटली माइग्रेट होना चाहते हैं, तो यह वीडियो आप ही के लिए है। हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल ए टू जेड इमिग्रेशन अपडेट्स पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम अपनी वीडियो सीरीज कनाडा इमिग्रेशन पाथवे फॉर स्किल्ड माइग्रेंट्स में एक और स्किल प्रोफाइल वीडियो के साथ हाजिर हैं। इस वीडियो में हम आपको कनाडा में कैसीनो ऑक्यूपेशंस के प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन, एजुकेशन अथवा लाइसेंस की रिक्वायरमेंट्स, मीडियन तथा रिटायरमेंट एज, करियर स्कोप, विभिन्न प्रोविंसेस में कैसीनो ऑक्यूपेशंस की करंट जॉब ओपनिंग्स और सबसे जरूरी फैक्टर एवरेज, मैक्सिमम तथा मिनिमम वीकली और आवली वेज रेट के बारे में बताएंगे। ये सारी इन्फॉर्मेशन जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करके इमिग्रेशन से संबंधित सभी लेटेस्ट न्यूज अथवा अन्य जानकारी सबसे पहले प्राप्त कर सकते हैं। और हाँ, अगर यह वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। तो आइए सबसे पहले आपके प्रोफाइल की डिस्क्रिप्शन देखते हैं। कनाडा में हर एक ऑक्यूपेशन के लिए एक प्रॉपर प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन दी गई है। ये डिस्क्रिप्शन उस प्रोफेशन के वर्क एरियाज और विभिन्न इंडस्ट्रियल सेक्टर्स के लिए जरूरी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में अच्छे से बताती है। कैसीनो ऑक्यूपेशंस में काम करने वाले पेशेवरों की बहुत सी जिम्मेदारियां होती हैं। वे विभिन्न गेमिंग टेबल्स और गेम्स जैसे कि रूलेट, ब्लैक जैक, कीनो, बैकरा और पोकर को ऑपरेट कर सकते हैं। इन गेम्स को मैनेज करने के अलावा ये वर्कर के स्लॉट मशीन्स को भी देखते हैं और पेट्रंस की मदद करते हैं। वे गेम्स के रूल्स को पेट्रंस को समझाते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि ये रूल्स फॉलो किए जाते हैं। इसके अलावा वे स्लॉट मशीन्स को रिप्लेनिश और रीसेट भी कर सकते हैं। कुछ वर्कर्स स्लॉट मशीन्स में माइनर एडजस्टमेंट्स या रिपेयर्स कर सकते हैं। कनाडा में हर ऑक्यूपेशन के लिए एक स्पेसिफिक एजुकेशन लेवल की जरूरत निर्धारित है। इसके अलावा कुछ जॉब सेक्टर्स में काम करने के लिए लाइसेंसिंग अथवा अन्य सर्टिफिकेशंस की भी जरूरत रहती है। तो आइए अब आपके प्रोफाइल के लिए जरूरी एजुकेशन रिक्वायरमेंट्स के बारे में देखते हैं। कैसीनो ऑक्यूपेशंस के क्षेत्र में नौकरी पाने के लिए कुछ फंडामेंटल आवश्यकताएं होती हैं। सबसे पहले सेकेंडरी स्कूल की पूरी करना आमतौर पर आवश्यक है। गेमिंग टेबल डीलर्स बनने के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए ऑन जॉब ट्रेनिंग भी प्रदान की जाती है। सभी कैसीनो वर्कर्स के लिए सिक्योरिटी क्लियरेंस की आवश्यकता होती है। इसके अलावा सभी कैसीनो एम्प्लॉयज के लिए कैसीनो गेमिंग लाइसेंसेस की भी आवश्यकता होती है। कनाडा में काम करने की न्यूनतम आयु 16 वर्ष निर्धारित है, परंतु हर प्रोफेशन के लिए एक तय शारीरिक तथा मानसिक स्ट्रेंथ चाहिए होती है। इसके अलावा ज्यादातर सेक्टर्स में काम करने के लिए कुछ स्पेसिफिक एक्सपीरियंस भी मांगा जाता है। इन सब जरूरतों को मद्देनजर रखते हुए डिपार्टमेंट ऑफ स्टेटिस्टिक्स कनाडा आपके प्रोफाइल की मीडियन वर्क एज और रिटायरमेंट एज तय करता है। अगर बात करें कैसीनो ऑक्यूपेशंस की, तो कैसीनो ऑक्यूपेशंस के प्रोफाइल पर काम करने वाले प्रोफेशनल्स की औसतन आयु 42 वर्ष है और कैसीनो ऑक्यूपेशंस के लिए सामान्य रिटायरमेंट की आयु 66 वर्ष है। किसी भी नए कंट्री में मूव होने से पहले आप वहां पर उपलब्ध रोजगार के अवसरों के बारे में जानना चाहेंगे। तो अब हम कनाडा में आपके प्रोफाइल पर काम कर रहे प्रोफेशनल्स की कुल संख्या देखेंगे और इसके अलावा आपके प्रोफाइल के लिए उपलब्ध करंट जॉब ओपनिंग्स का एनालिसिस भी करेंगे। कनाडा में कैसीनो ऑक्यूपेशंस के प्रोफाइल पर काम करने वाले प्रोफेशनल्स की कुल संख्या 16,800 है। अगर हम कैसीनो ऑक्यूपेशंस के प्रोविंस वाइज काउंट की बात करें तो अल्बर्टा सबसे ज्यादा कैसीनो ऑक्यूपेशंस वाले राज्य हैं। कनाडा में फिलहाल उपलब्ध जॉब ओपनिंग्स की कुल संख्या 101 है। इन ओपनिंग्स को देखने तथा अप्लाई करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। किसी एक प्रोफाइल के लिए
कनाडा के अलग अलग प्रोविंसेस में प्रोफेशनल्स की मांग कम या ज्यादा हो सकती है। प्रोफेशनल्स की यह डिमांड उस प्रोविंस में मौजूद एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज और संबंधित इंडस्ट्री सेक्टर्स के आकार पर निर्भर करती है। तो अब हम आपके प्रोफाइल में जॉब ओपनिंग्स की संख्या के आधार पर प्रोविंसेस की लिस्ट देखेंगे। jobbank.gc.ca द्वारा उपलब्ध कराए गए हालिया आंकड़ों के अनुसार इस वीडियो की पब्लिशिंग डेट तक कैसीनो ऑक्यूपेशंस के प्रोफाइल पर 51 जॉब ओपनिंग्स के साथ अल्बर्टा लिस्ट में सबसे ऊपर है, जबकि अल्बर्टा सिर्फ 21 जॉब ओपनिंग के साथ इस लिस्ट में सबसे आखिरी पायदान पर है। आपके प्रोफाइल से जुड़ी लेटेस्ट जॉब ओपनिंग्स और उन्हें अप्लाई करने का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आप इनमें से किसी भी जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो वीडियो में दिए गए लिंक को अभी क्लिक करें। अब हम सबसे इम्पोर्टेंट जॉब फैक्टर की बात करेंगे, जो कि आपकी सैलरी या आवली वेज रेट से संबंधित हैं। jobbank.gc.ca के द्वारा हाल ही में दिए गए आंकड़ों के अनुसार हमने कनाडा में आपकी प्रोफाइल के लिए मिनिमम, मैक्सिमम और मीडियन वेज रेट का एनालिसिस किया है। तो आइए देखें कि ये आंकड़े आपके प्रोफाइल के बारे में क्या बताते हैं। कनाडा में कैसीनो ऑक्यूपेशंस हर घंटे औसतन 20 कैनेडियन डॉलर्स कमाते हैं। इस वीडियो की रिकॉर्डिंग तक आपके प्रोफाइल के लिए कनाडा में मैक्सिमम वेज रेट 27 कैनेडियन डॉलर्स है और मिनिमम वेज रेट 14 कैनेडियन डॉलर्स है। कैसीनो ऑक्यूपेशंस के प्रोफाइल के लिए क्वेबेक सबसे ज्यादा वेज रेट के साथ चार्ट में सबसे ऊपर है, जबकि नोवा स्कोशा सबसे कम वेज रेट देने वाला प्रोविंस है। इसके अलावा अगर आप कनाडा की सभी प्रोविंसेस की एक डिटेल्ड वेज वाइज रैंकिंग देखना चाहते हैं या फिर अपनी फेवरेट प्रोविंस में आपके प्रोफाइल के लिए उपलब्ध जॉब अपॉर्चुनिटीज के बारे में जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को जरूर क्लिक करें। इमिग्रेशन पाथवेज। कनाडा में माइग्रेट होने के लिए कई वीजा ऑप्शंस तथा इमिग्रेशन पाथवेज उपलब्ध हैं। इन ऑप्शंस के जरिए स्किल प्रोफेशनल्स सीधे परमानेंट रेजिडेंसी, वर्क वीजा या स्टडी वीजा प्राप्त करके कनाडा में सेटल हो सकते हैं। अगर आप भी अपने प्रोफाइल से संबंधित वीजा ऑप्शंस को एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर अभी क्लिक करें और हमारे एक्सपर्ट्स के साथ एक कंसल्टेंसी सेशन बुक करें। हम अपने ग्लोबल क्लाइंट्स के लिए हर प्रकार की इमिग्रेशन सर्विसेज के साथ एक वन स्टॉप ऑनलाइन इमिग्रेशन प्लेटफॉर्म देते हैं। आप हमारे एक्सपर्ट्स की टीम द्वारा ऑनलाइन कंसल्टेंसी सेशंस, असेसमेंट एप्लीकेशन फाइलिंग, एम्प्लॉयर सर्च, LMIA फाइलिंग, वर्क वीजा फाइलिंग तथा PR फाइलिंग जैसे विभिन्न विषयों पर किसी भी तरह की असिस्टेंस ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आप एक कैनेडियन स्टाइल रेज्यूमे बनाना चाहते हैं या फिर अपने लिए कनाडा में सेटल होने की बेस्ट पॉसिबल ऑप्शंस को एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो आप हमारे एक्सपीरियंस्ड माइग्रेशन एडवाइजर के साथ एक एक्सपर्ट कंसल्टेशन सेशन बुक कर सकते हैं। हमारे एक्सपर्ट्स आपकी प्रोफाइल तथा आपके मौजूदा सर्कमस्टांसेस का डिटेल्ड एनालिसिस करके आपको बेस्ट एडवाइस देंगे। तो अपने प्रोफाइल पर गंभीरता से चर्चा करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर अभी ही एक्सपर्ट सेशन जरूर बुक करें। इसके अलावा अगर आप एक कैनेडियन एम्प्लॉयर हैं तो आप अपने बिजनेस के लिए बेस्ट मैनपावर को हायर करने और उनके LMIA एप्लीकेशन या वर्क वीजा की फाइलिंग करने के लिए भी हमारी टीम से संपर्क कर सकते हैं। हमें उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से बहुत सी काम की जानकारी मिली होगी। इमिग्रेशन से संबंधित ताज़ा जानकारी सबसे पहले पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें और हाँ, बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर क्लिक करें। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद और हम जल्द ही एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ आपको फिर मिलेंगे।